नमस्कार, मैं हूं गगन और आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर ग्रेवी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। बहुत ही आसान तो नहीं बोल सकता, इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, पर जब आप खिलाएंगे तो लोग आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे, वो तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। फिर चलिए चलते हैं। इस प्रोसेस में आपको पनीर को मैरिनेट करके फ्राई करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट्स हाउ आई डू इट। और वैसे ही पनीर डालने से पनीर इज ब्लैंड, इट डज नॉट हैव मच फ्लेवर इनटू इट। तो फिर ये प्रोसेस आपको इंश्योर करेगा कि पनीर में फ्लेवर्स है, और टेक्सचर के मामले में भी देयर इज मोर टेक्सचर टू द ग्रेवी एज वेल। सो पनीर को फ्राई कीजिए, इट्स वन एक्स्ट्रा स्टेप, बट आई गारंटी यू देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्लेवर इन द ग्रेवी। चलिए adding the smoky flavor to the paneer is completely optional। आपको अगर smokiness चाहिए तो फिर कीजिए, या फिर वैसे भी चलेगा। चलिए चलते हैं। इस स्टेज में आपको प्याज और टमाटर दोनों कद्दूकश करना है, फाइनली चॉप नहीं करना है या फिर प्यूरे नहीं बनाना है, या फिर आप उसको ब्लेंडर में एक दो बार ऐसे ही घुमा के भी यूज़ कर सकते हैं। फिर भी आई रेकमेंड एंड सजेस्ट यू टू ग्रेट अनियंस एंड टमाटोज। ग्रेट करने के बाद प्याज पानी छोड़ेगा, वो पानी को मत फेंकिए, उस पानी को ग्रेवी में यूज़ कीजिए, स्वाद आएगा, का वेस्ट भी नहीं होगा। चलिए चलते हैं। We'll be right back.
चलिए मैंने तो बना लिया, अब आप भी जाइए और बनाइए और खिलाइए अपने परिवार, अपने दोस्तों को, और बोलिए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। हाँ, और वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपको तो बताइए क्या करना है।